पादां सर्वविकासी सर्वानुदोषं आध्यात्म ब्रह्मस्य ज्ञानं संसदाय शिक्षणं वेदं तस्मै श्री गुरु नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिदास गोस्वामी देव महाराज नामे नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियामणे श्री श्रीमद्भक्तिदास नामे श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने त्रिभार्षभान विदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभव नम माधुर्य ज्वल प्रेमाढ श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्री रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत धंत हारिणी नमो गौरवेश्वराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांपते पादंबुजाय ते नम नाम भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते गौरवाभिभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धवन सम संसार दहने दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा भारी कृपा भारी दानी बंद से गुरु चरण कमल नृत गीत वाद हरि कीर्तने रहे न मगन महामत मणि रोमांच कंपासु हई गौर प्रेमी बंद से गुरु चरण कमल सदर तिनी विग्रह सेवने श्रृंगार दियार मंदिर मार्जनी करेन निजुक्त अनुगत जनी बंद से गुरु चरण कमल सर्वकुशल पेयर समय प्रसादन कृष्ण अति स्वादुहै भक्त स्वादनी निज तृप्त रहे बंद से गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लुब्ध चितजिनी हन प्रतीक्षणी बंद से गुरु चरण कमल ब्रज जुवा द्वंद रति संवर्धनी जुक्ति करे सखी सन वृंदावनी अति दक्षता है प्रियतम गनी बंद से गुरु चरण कमल सर्वशास्त्र गाये श्रीहरि स्वरूप भक्त गण भावे से अनुरूप किंतु जिनी प्रभुर प्रियतम रूप बंदिसे गुरु चरण कमल
जहार प्रसादे कृष्ण कृपा पाई जर प्रसादे अन्य गति नाई तीर्संधा कीर्तिरा सब जाने भाई बंदी से गुरु चरण कमल गुरुदेवा अति जत्न करी ब्राह्मी मूर्ति पढ़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाई से वस्तु से भूका बंदी से गुरु चरण नसिंधु गुरु चरण जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय वृंदावन वासी जता वैष्णवे रघवना प्रथम वंदना करी सवार चरण नीलाचल वासी महाप्रभु गाना भूमि ते पर्यावंद सवार चरण नवदीपवती जत महाप्रभु सवार चरण करते मोई कत सत्य धारी समा बुद्ध दोसे मोई दम मात्र तथापि मुखे रहो मने रहो लात दोस कभी माधा में करनी जदास सर्ववंत सिद्धि है जम बंध सोते जगते दुर्लभ प्रेम धन लोके मन रवसना अचिरात आय देव के नंदन दास जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपरसद सियो धाम तवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम
परिवार दान सिखाए शरणागति बक तेरा प्राण धन आत्मनिवेदन गोपतृप्ते वरण अवसर शिवेन कृष्ण विश्वास पलन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य सुकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार तड़ंग शरण आईवे जहार तहार प्रार्थना सुने त्रिनंद कुमार रूप सनातन पदे दंत त्रिणकारी भक्ति विनोद पड़े दो पद जय सचिनंद अबले अमिता सीता हे शरणागति कर हे उता जय सचिनंदन जय गौरारी सचिनंदन जय गौरारी जय सचिनंदन जय गौरारी सचिनंदन जय गौरारी मंगल गीत निकाल लो बोले जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे सीता कमलाकोच मंडल धृतकोंडल हे कलिता ललिता वनमाल जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मंडन भवखंडन हे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे काली अभिषाधर गंजन जनर जन हे जादुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधुमुर नर कविना गरुड़ासन हे सुराकुल केली निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन हे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण हे कमित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर मृत मंदर हे चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणी प्रणताभय निति भावय हे गुरु कुशलंग प्रणतेसु जय जय देव हरे श्री जय देव कबीरिदं कुरुते मोदं मंगलमुज्ज्वल गीतं जय जय देव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
जगन्नाथाय। जब यमुना देवी अष्टक निकाल दो, ये जो माइक है ना, ये दूसरा बदला दो तो ये अच्छा नहीं। देखो उसको बला देता, हाँ उस वाला उसको निकाल कर ले। भ्रांतु रात काश्यप तने विपा तिहारिणी हन, भ्रातुरंत काश्यप तने विपा तिहारिणी निकला है। पता नहीं इसमें गड़बड़ क्या। माँ पुना तो सर्वधार बिंद बंधु नंदिनी, हारी भारी धाराया विमुख खंडवा पुंडरी कमंडल धम। माँ पुना तो सर्वधार बिंद बंधु नंदिनी, श्रीकराभिमृष्ट जंतु दुर्विपाक मर्दिनी, नंद नंदन अंतरंग भक्ति पूर्ववर्धिनी, तीर संगमाभिलाषी मंगलानुबंधिनी। माँ पुना तो सर्वदा बिंद बंधु नंदिनी, दीप चक्र बाल जुष्ट सप्त सिंधेदिनी, श्री मुकुंद निर्मितोरु दिव्य केलिभेदिनी, कांति कंदली वीरेंद्र नील बृंद बंदिनी। माँ पुना तो सर्वदार बृंद बंधु नंदिनी, माथुरेन मंडलेन चारुणा विमंडिता, प्रेमनाद वैष्णवार्ध वर्धनाय पंडिता, उर्मिदोरु बिलास पद्मनाभ पंदिनी। माँ पुना तो सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी, रम्य तीर रभमान गोकदंब भूषिता, दिव्य गंध भाकदंब पुष्पराजि रूषिता, नंद सोनु भक्त संग संगमाभिनंदिनी। माँ पुना तो सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी, फूल पक्ष मल्लिकाक्ष हंस लक्ष पूजिता, भक्ति विध देव सीध कृणराली पूज, तीर गंध वाह गंध जन्म बंध रंदिनी। माँ पुना तो सर्वदा बिंद बंधु नंदिनी, चित विलास बारिपुर उर्भुव स्वरापिणी, कीर्ति तापि दुर्मुत रूपाप मर्म तापिनी, बल्लवेन्द्र नंदन अंगरंग भंग गंदिनी। माँ पुना तो सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी, पुष्ट बुद्धिरष्टके निर्मिमोरि चेष्टिता, त्वामनेन भानुपुत्री स देव वेष्टिता, जस्तवेति वर्धवस सर्व पाप मोचनी, भक्ति पूरमस्सदि पुंडरीकलोचनी। माँ पुना तु सर्वदा बिंद बंधु नंदिनी, माँ पुना तु सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी। जय यमुना देवी जय यमुना देवी, यमुना देवी जय यमुना देवी, जय यमुना देवी जय यमुना देवी, यमुना देवी जय यमुना देवी। जय राधे जय जय Da 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 da
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवों के चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे महाप्रभु जगत में आने का
उनका जो मुख्य में जो गौण कारण, जो मुख्य में जो साधारण कारण है क्या है? कौन बोले? हाथ उठा, आप बोल सकते हो? बोलो तो, हाँ बोलो, तैयारी हो गए? हाँ हाँ दे दो। हाँ बोलो। हाँ भगवान सोचने लगे कि मैं अब इस धरती पर किस तरह अवतरित हूँ,
मैं त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में अपने जग के द्वारा जो विष्णु विरोधी थे, असुर प्रवृत्ति के लोग थे, उनका विनाश किया। पर उस समय जो है असुर प्रवृत्ति के कम लोग थे, तो भगवान सोचा इस काल में मैं यदि चक्र धारण करके अवतार लूँ तो इनका विष्णु विरोधी वासंगियों का नाश करूँ तो सृष्टि का जय विनाश हो जाएगा। उन्हें कहा मैं इस अवतार में मैं जो है शस्त्र धारण नहीं करूँगा, मेरा एक शस्त्र होगा हरि नाम, मैं हरि नाम के द्वारा है उनकी असुर शक्तियों का विनाश करूँगा। तो भगवान ने जो है उन्हें दो उनके दो पूर्ण कारण थे, एक तो हरि नाम के द्वारा उनके हृदय में पाषंडियों के या जो है जो धर्म विरोधी थे या विष्णु धर्म के विरोधी थी जो धर्म की हानि करते थे उनके अंदर जो है मैं हरि नाम का प्रेम प्रदान करूँगा, और दूसरा जो है मैं हरि नाम के द्वारा जो भक्ति से वंचित हैं लोग, जो किसी कुल में जन्म लेने से किसी भी कारण से या किसी के इसमें जैसे पाषण के उसमें जैसे पाषण के लोग थे ये देवी देवताओं की अन्य भूत प्रोतों की ये करते थे, और उनके उसमें जो है उसमें जो है वे पशु की बलि चढ़ाते थे, उसमें मांस उसके साथ में जो है आप ही मांस का सेवन करते थे और मदपान करते थे, कहते थे मैं इनका जो है हरि नाम के द्वारा इनका जो है इनकी आशुवर्ती जो है समाप्त करूँगा। ये तो भगवान के क्रोध में पूर्ण कारण थे, मूल कारण था श्री राधाया करणे महिमा की दृश्यो वा निजा वा स्वाद हो ये ना भूत मधुरीमा की दृश्यो वा मध्य शोभन चश्या मधु भव की दृश्यम वेदी लोभा तद भावा दम समझनी सची दक्ष गुरु हरिंदु। किसी कार्यक्रम में भगवान जो है श्री राधा के साथ में प्रेम सरोवर में डूबे हुए थे, एक भ्रमर आया होरा जिसको होरा कहते हैं, वो आके श्री राधा रानी जी के चरणों में जो है गूंजने लगा। राधा रानी जी भयभीत हो गई और जो है श्री कृष्ण जी राधा रानी की दशा को देख करके उन्होंने मधु मंगल को कहा कि इस घोड़े को दूर भगाओ, तो मधुमंगल ने एक लाठी लेकर के हो करते हुए उस घोड़े को जो है दूर भगा दिया, और आकर के कहा कि मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया है, मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया है, मधुसूदन नहीं आएंगे। तो राधा रानी को चिंता हुई, भगवान श्री कृष्ण का नाम एक मधुसूदन भी है, कहने के हमको मधुसूदन नहीं आएंगे, तो मैं विषय हर मधुसूदन हर मधुसूदन कह करके मूर्छित होकर के श्री कृष्ण जी के गोद में जो है भगवान ने कहा, पहले कि ये राधा की कैसी महिमा है जो मैं पास होकर ले भी जो है ये मूर्छित होगी, हाँ हाँ मैं सूदन गए हाँ मधुसूदन छोड़ के चले, और मैं भी उसका था प्रेम करता हूँ, परंतु ये फिर भी जो है मेरे अंदर इतनी प्रीति क्यों नहीं हुई। तो भगवान ने कहा तो ये भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला में तो ये इच्छाएं जो है पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने जो है गौर उसमें कह लगे मैं आगे जो है गौर भक्त के गौर वर्ष के गौर भक्त पद्म के रूप में जन्म हुआ, तो उसमें तीन श्री राधा की प्रेम महिमा कैसी है, श्री राधा मेरी मधुरमा को किस प्रकार का आस्वादन करती है, और मेरी तीसरा है मेरी मधुरता का आस्वादन करके श्री राधा किस प्रेम का अनुभव करती है, इन तीनों कारणों को लेकर के भगवान जो है अवतरित हुए। इसी काल में 18 फरवरी 1486 ईस्वी को नवद्वीप धाम में श्री जगन्नाथ मिश्र जो सब वेदों के ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनके यहाँ उनकी पत्नी का नाम श्री सची देवी था, तो भगवान गौरचंद्र ने श्री सची देवी के गर्भ से जन्म धारण किया। भगवान जो है जय जब भगवान का अवतरण हुआ तो उस समय भगवान के पहले काल क्रम ऐसा हुआ, पूर्णिमा का दिन था, उस दिन ग्रहण लगा हुआ था,
तो सब लोग जो है, चाहे कोई पाषंडी हो, कोई वासना हो, चाहे कोई नास्तिक हो, सब जो है गंगा के किनारे स्नान करते थे और बोलो हरे राम हरे राम। हरे राम तो उस टाइम तो नहीं था, हरी बोल जो है कहते थे। तो भगवान ने जो है अपनी लीला के द्वारा जो है ऐसा समय करा कि जो है सब हरी बोल करते थे और भगवान को क्या। तो भगवान जी जो छोटे थे तो वे अपनी लीला करने के लिए बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। जब मैं उन्हें शांत करने के लिए जो है कोई उपाय नहीं होता था तो लोग मिल करके हरी बोल मंत्र का उच्चारण करते तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते थे। तो इसी क्रम में भगवान जो है, भगवान जब भी होने में क्योंकि श्री जगन्नाथ विष्णु सरस्वती माता तो भगवान के पूजा थे, वैष्णु पूजा करते, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, उनके घर में सारा ग्राम जी थे। उन्होंने सोचा कह लगे सारा ग्राम जी है और ये मेरे घर में जो है घूम रहे हैं। तो वहाँ पर जो है कुछ असली घटनाएं होती थी, जैसे पद चिन्ह है, चक्र, ये पदम है, इस तरह के अंकुश हैं, इस तरह के चिन्ह वहाँ पर बन जाते। तो उन्हें जो है नुकरों की आवाज़ सुनती थी और उस समय घर में कोई नहीं होता था, निमाई होते थे। निमाई क्यों है उनका नाम, क्योंकि जगन्नाथ मिश और सची माता के यहाँ से 8 कन्याओं का जन्म हुआ था और काल क्रम में 8 कन्याएं जो है वे मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उन्हें नौवे संतान के रूप में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जो इतने सुंदर थे जो उनको देख करके भी मोहित हो जाते थे सब। तो वहाँ पर जो है विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने उनका नाम विष्णु रखा। विष्णु कौन है, साथ ही साथ में नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु की जो है जन्म से जो है दृष्टि में कोई रुचि नहीं थी, वे विद्याध्ययन में बहुत तेज थे, जो भी सुनते थे, जो भी शास्त्र पढ़ते थे उनको कंठस्थ हो जाता था। तो उन्हें जो है दृष्टि में रुचि न होने के कारण तो वे जो है भगवान की पूजा में लगे रहते, या कहीं पर कोई कीर्तन हो रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो तो भी विष्णु जी वहाँ जा करके जो है कथा का श्रवण करते थे। और वे भूल जाते थे कि मुझे घर भी जाना है, तो उनको जो है उनके माता पिता जय बुलाने के लिए, किसी को लाने के लिए भेजते थे। तो उसी कृष्ण अब हम रोज रोज एक एक कथा देंगे याद करने के लिए, अब रोज रोज एक एक कथा सुनाना आज भद्रोत्सव है, आपको एक एक के विषय तो इसी क्रम में जो है आपको विषय देंगे, खुदे उससे बोलना, ठीक है ना, विषय पूछ लेना। हाँ तुम लोग, आप लोग भी सब ये बात को सीखना, पंडित आप पंडित है ना, मास्टर जी, हाँ इसलिए तो इतना बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। हाँ इसलिए आज हम लोग सुनेंगे, बाबा तो बहुत अच्छे बोले, श्लोक भी उन्होंने बोले। हाँ इसलिए आप लोग भी धीरे धीरे ना हर कथा को याद करना, तुम्हारे जो अड़ोसी पड़ोसियों को भी सुनाते रहना, ठीक है ना। जैसे अड़ोसी पड़ोसियों को भक्त बनाना, खुद भी भक्त बना और अड़ोसी पड़ोसियों को भी भगवान की कथा सुनाओ, वो लोग भी भगवान की भक्ति में, वो भी धीरे धीरे भक्ति में आए, ठीक है ना। हाँ अड़ोसी पड़ोसी को पूरा बड़ो तो पूरा कृष्ण भक्तिमय हो जाए सा। हाँ आज हम लोग सुनेंगे महाप्रभु आने का जो मुख्य का जो मुख्य कारण किया है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको विस्तृत रूप में व्याख्या करते हैं। इसका आवाज़ ऐसे क्यों हो रहा है, विस्तृत रूप में व्याख्या करते हैं। कहते यही मत पूर्वे कृष्ण रसर निदान यद्यपि करिल रस निर्जास चर्बन तथापि नहिल तिनि वांछित पुरण ताह आस्वादित यदि हैल जतन। जब कृष्ण इसी जगत में आए, कृष्ण कौन है, कहते रस स्वरूप भगवान कृष्ण है, हैं वो रस स्वरूप भगवान, उनने हर रस को आस्वादन किया। बोले कौन सा रस को,
जैसे उन्होंने दास्य रस को आस्वादन किया, भगवान होते हुए भी सखाओं का उन्होंने सखा बन गए, सखाओं का झूठन खाए, कभी सखा लोग इनकी कंधे पर कभी बैठे, सखाओं के साथ में खेलते खेलते दो पार्टी होते थे, हैं मतलब जो हार जाएगा एक दूसरे को कंधे पर बैठेगा, इसलिए कभी कभी कृष्ण की सखा जब हार जाते थे कृष्ण उनको कंधे पर बैठते थे, लेकिन जब कृष्ण हार जाते थे कृष्ण को भी कभी कभी घोड़ा बना देते थे, कृष्ण भी कभी कभी घोड़ा बन जाते थे, इसलिए बात्सल्य रस को उन्होंने आस्वादन किया, भगवान होते हुए भी उखल में ठाकुर जी बंद गए हैं, भगवान होते हुए भी उन्होंने चोरी किया है, मैया ने डांट लगाई, कान पकड़े हैं, कभी उन्होंने मिट्टी खाए, जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्चा होता है भगवान भी ऐसे माँ के बच्चे बन गए, भगवान होते हुए भी उन्होंने क्या किए कहते गोपियों की उन्होंने प्रियतम बन गए, बन करके है राधा रानी कभी मान करती तो कृष्ण जिनकी चरण में गिर जाते थे बोले राधे इतने तुम मान क्यों कर रहे हो, मान तो छोड़ दे, इसलिए कृष्ण जब उन्होंने ये सारी लीला को उन्होंने करके जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में चले गए, एक दिन कृष्ण निकुंज में बैठे बैठे करके सोच रहे, बोले क्या सोच रहे हैं, बोले मेरे मन में जितनी सारी इच्छा थी सारी इच्छाओं को मैंने पूरी कर दी, लेकिन जो तीन चीज है वो मेरी दिमाग से बाहर चला गया, जो चीज को मैं समझ नहीं पाया वो क्या है, कहते राधा या प्रणव महिमा की दृश्यम, मतलब राधा रानी की जब प्रेम की महिमा किया है, इसलिए कृष्ण यहाँ कह रहे हैं प्रथम वांछा किया है, कहते पूर्णानंदमय आमि चिन्मय पूर्ण तत्व, कृष्ण सोच रहे मैं कौन हूँ, बोले पूर्ण आनंद मेरे अंदर में है, मेरे से ज्यादा आनंद किसको है नहीं, और मैं कौन हूँ, कहते पूर्ण तत्व भी मैं हूँ, पूर्ण आनंद भी हूँ और पूर्ण तत्व भी, मेरे से कोई बड़े जगत में कोई है नहीं, सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर लेकिन होने पर भी राधा रानी का जो प्रेम है वो मेरे को भी नचा देती है, ऐसे राधा रानी की प्रेम की महिमा, तब कृष्ण सोच रहे हैं पर राधा जी की प्रेम में ऐसे कौन सा शक्ति है जो जो राधा रानी मेरे को भी अपना प्रेम से नचा देती है, इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, एक समय से वृंदा देवी राधा कुंड से आई, हरे कृष्ण, वृंदा देवी राधा कृष्ण राधा कुंड से आई, इतने में राधा रानी उन्हें प्रश्न कर रही हैं, बोले वृंदे तुम कहाँ से आ रही हो, बोले राधा कुंड से, बोले तुमने क्या देखा, बोले मैंने देखा श्याम सुंदर कृष्ण नृत्य शिक्षा कर रहे, बोले नृत्य शिक्षा भगवान कर रहे थे, बोले हाँ, बोले गुरु कह, बोले बगैर गुरु से तो नृत्य शिक्षा कर ही नहीं सकते हैं, पर उनका गुरु कौन थे, बोले राधा कुंड का जो पेड़ पौधा लता पता उनको ही कृष्ण गुरु मान करके वो लता पताओं से भी उन्होंने नृत्य विद्या को शिक्षा कर रहे थे, मतलब है राधा कुंड का जो लता पता भी राधा जी की भाव में विभावित है, वहाँ की लता पता भी साधारण है नहीं, वो लता पताओं से कृष्ण नृत्य विद्या सीख रहे थे, इसका मतलब है कृष्ण के कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु, लेकिन कृष्ण का गुरु कौन है, बोले श्री राधा रानी, सारा दुनिया की जो गुरु है, लेकिन कृष्ण प्रेम की शिक्षा किससे शिक्षा प्राप्त करते हैं, श्री राधा रानी से है, राधा रानी से, इसलिए कृष्ण इसलिए सोच रहे हैं मेरे को जितना आनंद मिलता है राधा रानी को दर्शन करके मेरे को जितने आनंद मिलता है, लेकिन राधा रानी जब मेरे को दर्शन करती हैं उनके शरीर में दिव्य उन्माद प्रेम चित्र जल्प प्रजल्प अभिजल्प ये एक एक प्रेम का लक्षण है, राधा रानी को मेरे से करोड़ों गुण ज़्यादा आनंद मिलता है, कितना, एक गुण नहीं, दो गुण नहीं, दस गुण नहीं, बीस गुण नहीं, मेरे को जितना आनंद है उससे करोड़ों गुण राधा रानी को करोड़ों गुण आनंद मिलता है राधा रानी को, इसलिए यहाँ पर एक श्लोक दिए बोले विपुरपि कलयन सदा विवृद्धि गुरुरपि गौरव चर्याम विहीना
मोहो रूप चित बकरी माप शुद्ध जयति मुरद्दि स राधिका अनुराग। राधा रानी को अनुराग को प्रणाम करते हैं। राधा रानी का अनुराग कैसे है, यहाँ पर कहते हैं विभुर अपि कलयन वृद्धिम। जैसे कृष्ण को देख करके राधा रानी का प्रेम बढ़ती है, और राधा रानी का प्रेम देख करके ना कृष्ण का प्रेम और थोड़ा ऊंचा हो जाता है। अभी कृष्ण को प्रेम देकर राधा रानी का प्रेम और थोड़ा ऊंचा हो जाता है। अभी राधा रानी का प्रेम देखकर कृष्ण का प्रेम और ऊंचा हो जाता है। दोनों में होड़ लग जाता है, लेकिन होड़ लगते लगते ऐसे एक स्थिति आता है जहां पर कृष्ण फेल, कृष्ण का प्रेम फेल और राधा रानी का प्रेम ऊंचा बढ़ जाती है। लेकिन ऊंचा बढ़ते हुए भी कहते ना हर वस्तु का एक लिमिटेड होता है, हैं लिमिटेड। लेकिन राधा रानी का प्रेम लिमिट से बाहर है, हैं जहां तक जा सकती है। जाने का बाद में भी राधा रानी का प्रेम इतने ऊंचाई तक बढ़ते बढ़ते जाते हैं जहां पर कृष्ण स्वयं फेल हो जाते हैं। कहते इसलिए कहते विभु होते हुए भी, श्रेष्ठ होते हुए भी प्रेम बढ़ते रहती है। कहते गुरु गौरव चर्चा विहीन, कहते वो गुरु होते हुए भी हैं जो गौरव का आचरण करते हैं। और कहते राधा रानी सीधी साधी है राधा रानी सीधी साधी होते हुए भी उनका जो प्रेम है ना, हर समय राधा रानी का प्रेम टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, राधा रानी का प्रेम हर समय टेढ़ी मेढ़ी बहती रहती है। कहते ऐसे जो राधा रानी का जो प्रेम है, कहते हम सब के सब राधा रानी को प्रेम को प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते ये पहला कारण है राधा रानी का प्रेम की कितने महिमा, जो कृष्ण से ज्यादा करोड़ों गुण राधा रानी आस्वादन करती। दूसरा कारण क्या, बोले मेरे अंदर में क्या माधुर्य है, क्या माधुर्य मेरे अंदर में। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कृष्ण इतने सुंदर, इतने कृष्ण सुंदर, जब कृष्ण अपना परछाई को किसी पिलर को मणि स्तंभ के ऊपर में अपना परछाई को देखते हैं, कृष्ण कहते अपर कलित पूर्वम कश्च मात कारकारी। भैया ये रूप किसका है, कृष्ण अपना परछाई को देखकर पागल हो जाते हैं। बोले इतने सुंदर है, कृष्ण कभी सोच नहीं पाते मैं इतना सुंदर हूँ। लेकिन ये सुंदरता को कौन आस्वादन करती है, बोले राधा रानी। यद्यपि हर भक्त भगवान का प्रेम का आस्वादन करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में इनका प्रेम को कौन आस्वादन करती है, बोले श्री राधा रानी आस्वादन करती है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मैं जब तक श्री राधा रानी की भाव को अंग कांति को ग्रहण नहीं करूँगा ना, तब तक ये चीज को मैं आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे को भूल जाना पड़ेगा मैं कृष्ण हूँ। इसलिए भगवान का जितने अवतार सब काले हैं, सारे काले हैं, लेकिन एक महाप्रभु जो गोरे हैं, इसलिए इनका नाम गौरांग गौर हरि, गौरांग गौर हरि इनका नाम है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कितना सुंदर है कृष्ण। बोले कृष्ण जब गोचारण करते हुए घर में वापस आते हैं, कृष्ण बड़े मीठी मीठी प्यारी प्यारी बंसुरी बजाते हैं, और बंसी ध्वनि सुन करके जितने ब्रजवासी, कृष्ण सवेरे गए थे और दिन भर कृष्ण का दर्शन नहीं मिला, कृष्ण शाम को आए और कृष्ण का बंसी ध्वनि सुन करके सारे ब्रजवासी घर छोड़ करके बाहर आ जाते हैं और कृष्ण को दर्शन करती हैं। लेकिन सब तो दर्शन करते हैं, लेकिन राधा रानी का क्या अवस्था, तब ये यहाँ कहती हैं, बोले अटती जद भवान नन्ही काननाम त्रुटि जुगायते त्वांगम पश्यताम कुटिला कुंतलाम श्रीमुखंचते जड़ो दीक्षताम पाक्ष्म के दृशा। यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे गोपियाँ जब कृष्ण का दर्शन करती हैं, कृष्ण का मुखमंडल कैसे, कहते जैसे कमल फूल जैसे हैं, जैसे कमल फूल, कहते उसमें कमल को ऊपर भौंरा बैठता है, ये भौंरा क्या है, कहते उनको जो घुंघराली केस है, और जैसे उनका गैया का खुर से जो धूल उड़ता है कृष्ण की मुखारविंद में पड़ा हुआ, जैसे हम पाउडर लगाते हैं ना, क्रीम लगाते हैं, कृष्ण का ऐसे दिख रहा था। और गोपियाँ जब कृष्ण को दर्शन करती हैं
दर्शन करते समय आंखों का पलक झपती है, जब पलक जब झपती है ना पता नहीं चलता जिस कोई चीज हम देख रहे हैं, पलक झपती तो है लेकिन पता चलता है कब पलक झपा, पता नहीं चलता पलक कब झप रही है, लेकिन उतना समय भी गोपियों को लगता है जैसे कर्ण योग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर। ऐसे गोपियों की राधा रानी की ऐसे प्रेम, कृष्ण इतने सुंदर हैं। यहाँ पर उन्होंने दो चार श्लोक यहाँ पर उन्होंने दिया है, बल्ले अखुनतम फलमिदम न पार विदेम। यहाँ पर श्री राधा रानी कह रही हैं बल्ले ये आंखों का सार्थकता किसी चीज में, भगवान जो ये आंखें दिए हैं ये आंखों का सार्थकता किसी में, जब भगवान को दर्शन करो तभी इन आंखों का, आंखों बालों का तभी सार्थकता है जब इन आंखों से श्री ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। अगर इन्हीं आंखों से अगर ठाकुर का दर्शन नहीं किया, कहते भैया मोर पंख में भी आंखें हैं, है कि नहीं, मोर पंख में भी आंखें हैं, वो आंखों का क्या लाभ है। कहते इन्हीं आंख नहीं पर ये पांख हैं, अगर इन्हीं आंखों से हम ठाकुर जी को दर्शन अगर नहीं करते हैं, इसलिए कहते आंखों वालों का यही सार्थकता है। और कहते गोप्यम किम तप, कहते ये गोपियां ऐसे कौन सा तपस्या की थी जो भगवान की ये अद्भुत जो लावण्य सार मूर्ति को दर्शन करती हैं। इसलिए यहाँ पर कहते यद्यपि सब भक्त लोग भगवान को दर्शन करते हैं आस्वादन करते हैं, लेकिन इस श्रेष्ठ रूप में कौन आस्वादन करते, बोले श्रीमती राधा रानी और ये ब्रज गोपियां आस्वादन करती हैं कृष्ण स्वरूप को। इसलिए कहते हैं कहते ये दूसरा कारण है कृष्ण जगत में क्यों आए, अपना रूप को अपना प्रेम को कृष्ण आस्वादन करना चाहते हैं। बोले तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है राधा रानी कृष्ण रूप को दर्शन करते हुए उनको क्या आनंद मिलता है, उनको क्या आनंद मिलता है, हम इसको कल सुनेंगे। उनको क्या आनंद मिलता है राधा रानी को, ठीक है कल इसको हम लोग श्रवण करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बन बन बन। आप लोगों को कितना समय टाइम तक समय है।